कटिहार के जमीन के रिकॉर्ड को संजोकर रखने वाले उपनिदेशक चकबंदी कार्यालय हालत देखकर चौंक जाएंगे आप। सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाई बाड़ी मोहल्ले में भाड़े के मकान पर चलने वाले इस कार्यालय की हालत किसी हॉरर फिल्म की हवेली जैसी है। लगभग पिछले एक महीने से इस कार्यालय में बिजली भी कटा हुआ है और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में दो कर्मी अब भी इस कार्यालय में तैनात हैं, जो हर दिन मौत की सीढ़ी को मात देकर कार्यालय कक्ष तक पहुंचते हैं। कटिहार के महत्वपूर्ण उपनिदेशक चकबंदी कार्यालय के इस हालात पर कार्यालय में मौजूद कर्मी और प्रभारी अपनी मजबूरी बयां कर रहे हैं। देखिए वीडियो। यहाँ क्या काम होता है? यहाँ चकबंदी से संबंधित जो है कागजात हैं, सब अंचल का जो कागजात उपनिदेशक में है और उसके तहत जो है वहाँ से जो भी कागजात अंचल से जो भी कार्यभार होता है उपनिदेशक से हम लोग पटना भेजते रहते हैं और यहाँ उपनिदेशक का कार्य होता है। ऑफिस का स्थिति काफी जर्जर है, खासकर सीढ़ी वगैरह बड़ा जर्जर है, लाइट नहीं है। ऑफिस का स्थिति तो हम लोग को चूंकि ड्यूटी करना है, सरकारी मुलाजिम है, तो हम लोग को तो रख रखाव करना है। वहाँ से जो आदेश है कागज पत्र का सब चीज़, और तो रिस्क लेके आना जाना, कागज रखना, खुद को पब्लिक का जो भी समस्या आता है उससे बातचीत करना, कैसे बता देना है, लाइन बाई लाइन से कटा हुआ है। आगाज भी तो रखरखाव की स्थिति सही नहीं है। नहीं सही नहीं, पूरा रद्दी है, उसको किसी तरह हम लोग चला रहे हैं। कि इसके लिए आप लोग अपने अधिकारी को सबको रिपोर्ट दिया हुआ है, आगे ये सुन रहे हैं। इस पर हम लोग क्या बोले कि चूंकि सक्रिय अंचल नहीं है का कार्य उपनिदेशक नहीं है, असक्रिय अंचल का उपनिदेशक है ये, इसलिए थोड़ा सा ध्यान। क्या नाम है? काशीनाथ मंडल। ये चकबंदी उपनिदेशालय है, यहाँ पर ये असक्रिय अंचल है, जो मैं आपका जीडीसी का जो कार्यालय है, उपनिदेशक कार्यालय है, यह असक्रिय है। क्या का काम? क्या यहाँ काम? चकबंदी से मतलब जैसे आपको गांव का जो जमीन या जो जमीन जो जमीन जो खंड खंडित जमीन जो होता है, उस सारे ज़मीन को मतलब एक प्लॉट में लाकर उसको जो है सो हम लोग वर्क करते हैं। सरकारी कार्यालय है? सरकारी है। भाड़ा पे मकान? नहीं, मकान भाड़ा पर है, कार्यालय सरकारी है। चकबंदी किनके अंडर में? मतलब ये जो है सो हमारे डीडीसी के अंडर में है, एडीएम जी, उपनिदेशक चकबंदी। अच्छा, ये तो ये भवन की जर्जर स्थिति, सीढ़ी भी इस तरह का है, लाइन भी कटा हुआ, कैसे करते हैं आप लोग काम? अब इसमें हम लोग रिक्स लेकर आते हैं, रिक्स लेकर चढ़ते हैं। सीढ़ी तो साफ पूरा जर्जर है, इसके लिए हम लोग मकान मालिक को भी जो है सो आवेदन दिए हुए हैं, साहब के तरफ से भी आवेदन गया हुआ है, लेकिन अभी उस पर मकान मालिक ध्यान नहीं दे रहा है। कितना दिन से स्थिति है ये? अब है, हम लोग से पहले जो थे कर्मचारी वो लोग भी इसको झेल कर गए हैं। बिजली कब से कटा हुआ? बिजली ये 20-22 वर्ष से कटा हुआ है। अच्छा, तो क्या कभी भी हादसा हो सकता है? हादसा तो मेन जो सीढ़ी है हम लोग देखकर उसको तो लग ही रहा है कि, लेकिन हम लोग हैं क्या कि बराबर आते जाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग का। कितना कर्मी है अभी यहाँ पर? यहाँ पर अभी हम लोग दो कर्मी हैं। क्या नाम है? हमारा नाम हुआ जय कुमार श्रीवास्तव। किस पद में हम? यहाँ अभी प्रभारी में है।